नमस्कार दोस्तों, मैं के माली एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम ऐसी जगह पर आए हैं, एक ऐसी विरासत की धरोहर पर आए हैं जो हमारे सिरोही ज़िले के साथ साथ पूरे राजस्थान का गौरव है। जी हाँ, आज हम आए हैं सिरोही ज़िले के मीरपुर में मीरपुर जैन तीर्थ पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को समर्पित ये मंदिर बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक है। अरावली की गोद में बसा हुआ ये मंदिर बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक है। चारों ओर से इन पहाड़ियों पर पक्षियों की मधुर आवाज़ इन मंदिर की सुंदरता में चार शान लगा देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर की जो कला है, इस मंदिर की जो विशेषता है और इतिहास है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों संगमरमर से बना ये मंदिर भारत का सबसे पुराना जैन मंदिर है। मैं आपको फिर दोहराता हूँ कि संगमरमर से बना ये मंदिर भारत का सबसे पुराना जैन मंदिर है, जो 9वीं शताब्दी में एक संपत्ति राजा द्वारा बनाया गया था। 9वीं शताब्दी में बनाया गया ये जैन तीर्थ सिरोही जिले के पास स्थापत्य कला के रूप में एक महत्वपूर्ण इमारत है। इस मंदिर का उल्लेख वर्ल्ड एवं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट में भी है। इस मंदिर की नक्काशी और कला की तुलना आप आबू के देलवाड़ा और राणापुर जैन तीर्थ से भी कर सकते हो। देलवाड़ा और राणापुर कलाकारी की जो मंदिर की कलाकारी के निर्माण की जो प्रेरणा है वो इसी मंदिर से मिली थी। इसी मंदिर के बाद वो मंदिर बनाया गया है। इसी मंदिर की कला के आधार पर वो मंदिर का निर्माण किया गया है, जैसे राणापुर और देलवाड़ा मंदिर का। ये मंदिर का मेन गेट है। अब मैं आपको मंदिर के जो स्तंभ है और स्तंभ के अंदर जो कला बनाई गई है वो मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मुख्य मंदिर के अंदर। ये मंदिर, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये मंदिर अपनी उत्तम नक्काशी और कला के लिए प्रसिद्ध है। हम ये मंदिर के गुंबद के अंदर बने भित्ति चित्र जो अद्वितीय रूपांकन दर्शाते हैं, जो आपको किसी अन्य जैन मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस मंदिर की जो खास बात यह है, गुंबद, स्तंभ और सीमाएं इस मंदिर की अनूठी विशेषताएं हैं।
श्वेतांबर संप्रदाय को समर्पित है। इस मंदिर की प्राचीन कला, प्राचीन अद्भुत कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, जिनकी ये 90 सेंटीमीटर की मूर्ति है, जिसे हमीरपुरा पार्श्वनाथ जी भी कहते हैं। मुंबई के पाए धुनी में प्रसिद्ध श्री गुड़ी जी पार्श्वनाथ जी के मूल नायक की प्रतिमा आज से 200 वर्ष पहले उनकी जो प्रतिमा है वो भी यहीं से भेजी गई थी। दोस्तों, मंदिर की जो स्तंभ है और दीवारें, ये पुष्प और ज्यामितीय डिजाइनों से समृद्ध है। इन स्तंभों के ऊपर पुष्प और ज्यामितीय डिजाइनों से ये कला जो नक्काशी की गई है। अगर हम इस मंदिर के शिलालेख की बात करें तो उन 1162 ईस्वी का जो शिलालेख है उसके मुताबिक इस जगह को पहले हमीरगढ़ से जाना जाता था, उसके बाद मीरपुर से जाने लगा। उसके बाद 12वीं और 15वीं शताब्दी के या 7 शिलालेख है, और नवीनतम शिलालेख 19वीं शताब्दी का है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मंदिर तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल के साथ साथ यहाँ पर कुछ अन्य मंदिर भी है, जो जैन मंदिर ही है। यहाँ पर अन्य मंदिर भगवान सुपार्श्वनाथ जी, शांतिनाथ जी और महावीर स्वामी जी का मंदिर है। मैं जिस चीज बैठा हूँ इसके पीछे आप देख रहे हो, ये मंदिर भगवान सुपार्श्वनाथ जी को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह नागर शैली में बनाया गया है। और इस मंदिर की अगर विशेषताओं की बात करें तो इस मंदिर के गर्भगृह में जो कांच का काम किया है वो अनूठा है, अनूठा ही है और बहुत ही अति सुंदर है। तो अब आप जो पीछे देख रहे हो, ये मंदिर भगवान शांतिनाथ जी को समर्पित है। ये मंदिर भारत और फारसी के वास्तुकला का समामेलन है। इस मंदिर का गर्भगृह और स्तंभ नागर शैली में बनाए गए हैं। इन दिनों केवल मंडप के साथ मुख्य मंदिर खड़ा है, जो उत्तम नक्काशी, स्तंभ और उत्कीर्ण परिक्रमा के साथ भारतीय पौराणिक कथाओं में जीवन का हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर की व्यवस्था सेठ श्री कल्याण जी परमानंद जी पेड़ी सिरोही द्वारा नांदिया दरबार से कीमत चुकाकर अपने हाथ में ली थी। यहाँ पर भोजनशाला और रहने की उत्तम व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये था मीरपुर का जैन तीर्थ, जो बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक है, और
ये भारत का सबसे पुराना जैन मंदिर है जो 9वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। मैं आपको एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी इस मंदिर को वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, उनको मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस मंदिर में जरूर पधारें और अपनी आँखों से इस मंदिर की कला नक्काशी को अपनी आँखों से देखें और यहाँ के सुंदर वातावरण और पहाड़ियों का जो शांत वातावरण है, मधुर पक्षियों के मधुर आवाज़ का आनंद लें। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए इस वीडियो में इस मंदिर की विशेषताएँ, कला और नक्काशी, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई वीडियो में मंदिर की वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पुनः में एक बार आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस मंदिर में दर्शन करने जरूर। और कुर्तियाँ और टॉपर और सब फैंसी ड्रेस मिल जाता है और नवरात्रि के लिए भी वगैरह मिल जाता है, घाघरा वगैरह चनिया चोली मिल जाती है और छोटों बच्चों के सब फैंसी आइटम 2000 से लगा के 3000 के बीच के अंदर भी आइटम रखता हूँ मैं, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, जींस वगैरह सब मिल जाएगा आपको। एक बार आइटम